हाँ अम्मा बोलो ना, क्या नाम है आपका? शमीम शमसुद्दीन शेख। शमीम शमसुद्दीन शेख, हाँ क्या हुआ? ये हुआ कि मेरी दुकान पर कब्जा करके बैठ गए, मुझे दे नहीं रहे। तुम्हारी दुकान पर कब्जा करके बैठ गए और दे नहीं रहे? हाँ, मुझे घर से भी निकाल दिया। घर से निकाल दिया? हाँ। किसने? पोतों ने। पोतों ने? हाँ, मम्मो ने। मम्मो की से मैं जो भी रहना मीन्स। तो अभी अपना ये जो भी प्रॉपर्टीज है आपकी, वो किसकी है? ऐसा तुम्हारे शौहर की है? तो उसको तुम्हारे को मतलब अभी उन लोग क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हम दुकान नहीं देंगे। दुकान नहीं देंगे मीन्स? अच्छा, तुम्हारे नाम की? मेरे नाम, मेरे शौहर ने मेरे नाम दुकान करी ना, तो बोलते हैं हम तुम्हें नहीं देंगे, हमारी है, हमारी। तो फिर उन्होंने कल क्या किया? कल जब आए और तारा डाल के सुबह भी चली गई, कल वो आए और आने के बाद उनसे तो कुछ नहीं होता था, वो अपने साले को चोर बुलाए डाकू को, उनसे ताला तोड़वा कटवा दिया। हाँ तो वो वीडियो भेजा आपने? कटा तो नहीं, वो टूटा तो नहीं, कटवा दिया। और आप पुलिस चौकी गए थे फिर? हाँ, मैं फिर पुलिस। तो क्या बताया पुलिस ने? पुलिस चौकी ने कोई ऑप्शन नहीं लिया, कोई भी नहीं। उन्होंने ये बोला आपके घर का मैटर है, आप घर का मैटर है मीन्स ताला तोड़ा, उसके लिए भी एफआईआर नहीं लिया? नहीं, आप आपस में जाके अपनी। तो अभी आप क्या चाहते हो? मैं तो मेरी चाबी, दुकान की चाबी चाहती हूँ, अपना मार्गो सामान निकाल लें और मेरी चाबी मुझे दे दें। तुम्हारी दुकान की चाबी तुम्हारे को दे दे? हाँ, मुझे दे दे। बराबर? हाँ, बिल्कुल। और इनका क्या हुआ अभी मतलब है उससे? ये बोले हम तुम नाक लगा। और वो घर से जो निकाल दिया वो कहाँ है? वो जो है ना, बोलते कि नाक रगड़ के भी मर जाओगे तुम। नाक रगड़ के मर जाएंगे? कौन हो आप? उनकी दादी? दादी हो? दादी नाक रगड़। किसका कमाया हुआ ये सब? ये मेरे शोहर का कमाया हुआ दिया हुआ। तो अब ये कर रहा है ऐसा? कौन है ये? पोते कर रहे हैं मेरे पोते। हाँ, परवेश के बच्चे लोग। परवेश भाई के बच्चे? नाम वाला ज्यादा बोल रहे, एक का आमिर शेख नाम है, एक का शादाब नाम है। तो अभी शादाब शेख है, आमिर खाली आके दूसरा काम। और अभी ये घर का मसला है जो? वो घर का मसला है, वो अपना पर्सनल जो है वो है, ठीक है। और घर कौन सा है आपका जो भगा दिया आप बोल रहे हो? हाँ, वो जो बिल्डिंग की हम लोग इधर रहते हैं, फाउंटेन वाली। हाँ, महाडा में। हाँ, मालूम है बिल्डिंग की। मेरा घर फोर्ड में था, मेरे नाम था, वो भी मेरे बेटे ने अपनी बीवी के नाम। अरे तो तुम्हारी रजामंदी से कोई ने नाम पे कराया? मुझे पता ही नहीं ना। नहीं, कुछ नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, वो तो लिटिगेशन होगा, अगर कंप्लेंट डालेंगे तो। दूसरा भी केस ऐसे किया किया हो तुमने केस? नहीं, उन्होंने मेरे साथ ये दुकान के बारे में भी ऐसी किया, तो वो तो मुझे बिक गया। अच्छा, दिया। तो क्या कर रहा था वो? लिखवा लिया था। लिखवा रहा था? क्या करना है खुद के नाम पे? अपनी माँ के नाम करा। आपके ऐसे कितने मतलब अपना वारिसदार आपके बच्चे या कितने हुए? मेरा एक ही बेटी है और दूसरे पोते होते हैं। हाँ, ये सब वो तो इंतकाल हो गया, बाकी का पोते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो मैं आपका मैसेज जैसा होगा मैं न्यूज़ के हिसाब से वायरल करता हूँ, हो सकता है आपको जल्द से जल्द हेल्प मिल जाए। तुम्हारा मोबाइल नंबर डालू इस पे? चलेगा ना? ओके। लेकिन तो भाई तो बहुत परेशान हो, मेरे साथ दवा का हर चीज का कुछ चाहिए, वो एक साल से तो पैसे नहीं दिए। मतलब तुम्हारे को यहाँ का भाड़ा आता था? तुम बोलते हो एक साल से तो भाड़ा भी नहीं दिया। तुम्हारी प्रॉपर्टी का तुम्हारे को भाड़ा नहीं दिया तो तुमने खाली करवा दिया। तो अभी वो तुम्हारे को ये जगह मना करते, पैसा भी नहीं देंगे और जगह भी नहीं देंगे। हाँ, बोले नाक लगा के दादी मर जाएंगी तो दुकान नहीं देंगे, ये बड़े वाले का कहना है। चलो ठीक है, कोई नहीं, कानून से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है माजी। हम लोग आपका मैसेज पहुँचा। अल्लाह बहुत बड़ा है, बराबर है, ऊपर ऊपर अल्लाह काम आएगा दुनिया में, तो फिलहाल तो कानून आ जाएगा। मैं किसी को भी दे दूंगी, यतीम खाने को दूँ, ट्रस्ट को दूँ, मस्जिद को दूँ, ऐसी बंद करके डाल दूँ, मगर इनको नहीं देंगे, इनको नहीं देंगे, आपको नहीं देंगे। हाँ, वो तो देखो कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता है, वो तो बॉम्बे हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, जिसकी प्रॉपर्टी वो अपने हिसाब से किसको भी देवे। इन दोनों को नहीं बेचूंगी। हाँ, वो क्यों बेचेंगे, वो तुम्हारा लुगाड़े, बेचो मत बेचो। चलो ठीक है, खुद बैठेंगे। ये उम्र में? हाँ, कितनी उम्र है आपकी बताइए ना, कितनी है? 85 है मेरी। तो तुम आके दुकान पे बैठेंगे? हाँ, बैठूंगी, नौकर रखूंगी। अरे लेकिन जो भी है वो देख लेना, वो तो ठीक है तुम्हारे साथ। हाँ, नहीं बैठूंगी। ठीक है, ठीक है। चलो माजी, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर देंगे तुम्हारा मैसेज जल्द से जल्द पहुँचे।